वो पॉइंट जहां से इंक्रीमेंट ओरिजिनेट हो रहे हैं उस पॉइंट को हमने क्या कहा, चलजा। चलजा, बात समझ गए? जहां से इंक्रीमेंट ओरिजिनेट हो रहे हैं हम लोग उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, चलजा बोलते हैं। जिस पॉइंट, जिस जगह से इंक्रीमेंट ओरिजिनेट हो रहे हैं वो पॉइंट हो गया हम लोग का चलजा। और जहां पर ये इंक्रीमेंट जुड़ नहीं रहे हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। और ये जो रीजन है इस रीजन को बोलते हैं हम लोग हाइलम, इस रीजन को बोलते हैं हाइलम। ये हो गया हमारा आउटर इंट्यूबमेंट, इनर इंट्यूबमेंट। बात इतनी क्लियर हो गई? यानी ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल है, और इस एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं? एक आउटर इंट्यूबमेंट है, मिडिल इंट्यूबमेंट है, इनर इंट्यूबमेंट है, और ये हो गया एम्ब्रियो सैक, ये हो गया एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में ये तीन, ये तीन न्यूक्लियस हो गए। तो ये तीन हो गए हमारे एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स, और ये दो हो गए हमारे सिनर्जिड, सिनर्जिड्स, और एक हो गया हमारा एग सेल, एग सेल, और ये दो हो गए, दो हो गई, एक हो गई सेंट्रल सेल, मैम सेंट्रल आपकी सेल। आवाज कटी कटी आ रही है। कटी कटी आ रही है यस मैम, अब, सही आ रही है? मैम सही है। सही है? देखो यस मैम, स्क्रीन तो सही आ रही है बिल्कुल। नहीं, आवाज सही आ रही है? मैम थोड़ी कटी कटी आ रही है। अच्छा, सुनना अब आ रही है? अब आ रही है बेटा? यस मैम आ रही है। सही आ रही है अब? मैम सही है। कट तो नहीं रही? देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, एक ओव्यूल बनाया है, ओव्यूल का फॉर्मेशन किया है। ओव्यूल में अंदर एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में जिस तरफ हम लोगों का, जिस साइड से ये इंट्यूबमेंट ओरिजिनेट हो रहे हैं उस साइड को हम लोग चलजा बोलते हैं, और जिस पॉइंट पर इंट्यूबमेंट जुड़ नहीं रहे हैं उसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं। और ये जो दो ये चीजें हैं इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो आउटर, इनर, मिडिल इंट्यूबमेंट प्रेजेंट है, उसके बीच में यहाँ पर हम लोगों का ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में जहां से इंट्यूबमेंट ओरिजिनेट होते हैं उस पॉइंट को चलजा बोलते हैं, और उस चैलेंजर एंड को हम लोग एंटीपोडल्स, सॉरी उस एंड को हम लोग चैलेंजर एंड बोलते हैं जहां से इंट्रूमेंट ओरिजिनेट हो रहे हैं। और जहां पर इंट्रूमेंट जुड़ नहीं रहे हैं उस पॉइंट को हम लोग सिनर्जिड बोलते हैं, जहां पर इंट्रूमेंट जुड़ नहीं रहे हैं उस पॉइंट को हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं, और जहां पर इंट्रूमेंट ओरिजिनेट हो रहे हैं उस पॉइंट को चैलेंजर बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियस टूवर्ड चैलेंजर एंड है उसको हम लोग एंटीपोडल्स बोलते हैं, जो न्यूक्लियस टूवर्ड चैलेंजर एंड है उसको हम लोग एंटीपोडल्स बोलते हैं। ये तीन एंटीपोडल्स यहाँ प्रेजेंट हैं, और जो न्यूक्लियस हमारे अपोजिट टू चार्जर एंड है यानी टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, उसमें दो सिनर्जिड्स हैं और एक एक्सेल है। ये दो सिनर्जिड्स हैं और एक एक्सेल है, सेंटर में एक सेंट्रल सेल है और दो पोलर न्यूक्लियाई है। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है वो सेवन सेल्ड और एट न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है, सेवन सेल्ड और एट न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? इतनी बात क्लियर हो गई? हम यस मैम, राइनोसियम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देखना है। ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है हमारी, स्टिग्मा स्टाइल
और ओवरी, ओव्यूल और ये बेसल स्वेलन पार्ट है हमारा ओवरी। अंदर जो ओव्यूल है यानी ओवरी और ओव्यूल के बीच का जो जंक्शन है उसको बोलते हैं हम लोग फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। और ये बेसल स्वेलन पार्ट से फ्लावर से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं थैलमस। इसको क्या बोलते हैं? थैलमस। बात समझ गए? इतनी बात समझ में आ रही है? यस मैम। लिखो बेटा। मैम स्क्रीनशॉट ले लें क्या? इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना उज्जवल। यस मैम बाद में कर लेंगे। हो गया एसएस ले लिया? यस मैम। ठीक ड्रॉप कर दे। यस मैम। ठीक मैम सिनर्जेट और एंटीपोडल में डिफरेंस क्या होगा कि ये चलाजल एंड में है और ये माइक्रोफाइल एंड में? हाँ, दूसरी बात ये जो एंटीपोडल्स हैं वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और जो सिनर्जिट्स हैं वो एक्सेल बनाने में हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर एक फिलीपियम अपरेटस होगा जो एक्सेल को डायरेक्शन देगा, पोलन ट्यूब जो आएगी उसको डायरेक्शन देने का काम करेगा। दोनों की कंडीशन जो है सिचुएशन वो हैप्लॉयड ही है, दोनों में न्यूक्लियस हैप्लॉयड ही रहेंगे। यानी ये भी अगर हम लोग कहते हैं कि एक ओव्यूल है उसकी सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इतने हैं तो एंटीपोडल्स में कितने होंगे, सिनर्जिट्स में कितने होंगे, एक्सेल में कितने होंगे, पोलर न्यूक्लियस में कितने होंगे, तो ये जितने भी हैं ये सब एन होंगे और ये जो बचेगा वो टू एन होगा। ये सब होंगे एन और ये जो होगा वो टू एन होगा। हम लोगों का ये इसमें नीट में क्वेश्चन आता है हम लोगों का कि अगर न्यूसेलस में नंबर ऑफ सेल्स 14 है या 7 है या 7 पेयर है तो 7 पेयर 14 हो गए। अगर यहाँ 7 पेयर है तो ये एंटीपोडल्स क्या है? तो हमको पता है कि एंटीपोडल हैप्लॉयड है तो एंटीपोडल में 7 होंगे, तीनों एंटीपोडल में। पोलर न्यूक्लियस डिप्लॉयड है, दो न्यूक्लियस फ्यूज है तो 14। अगर सिनर्जिक पूछते हैं तो सिनर्जिक में 7, एक्सेल में भी 7, लेकिन जब यहाँ एंडोस्पर्म बन जाएगा तो एंडोस्पर्म की प्लॉयडी हो जाएगी 3n और जब 3n हो जाएगा तो ये इसकी जो प्लॉयडी हो जाएगी 21 हो जाएगी, इसकी जो प्लॉयडी हो जाएगी वो 21 हो जाएगी। बस समझ गए? यस मैम। कब करें? यस मैम। एंडोस्पर्म की डेफिनेशन क्या होगी? एंडोस्पर्म की डेफिनेशन है इट इज अ न्यूट्रिशियस सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड व्हेन द पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज विद ए वन मेल गैमेट देन आफ्टर दिस एंडोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड। एक ही एंडोस्पर्म लिक्विड है जो है कोकोनट, कोकोनट में जो अंदर पानी है दैट इज अ लिक्विड एंडोस्पर्म। कोकोनट में जो अंदर पानी भरा हुआ है वो दैट इज अ लिक्विड एंडोस्पर्म, वो लिक्विड एंडोस्पर्म है जो फिल है वहां पर। बस समझ गए? आपने देखा होगा अगर हम कोकोनट के ओव्यूल को देखें यानी कोकोनट का पूरा सीड ले आए तो 3 ब्लैक डॉट्स दिखाई देते हैं ऊपर, 3 ब्लैक डॉट दिखाई देते हैं और उसके अंदर जब ऐसे पॉइंटेड करके स्ट्रक्चर देखो तो पॉइंट में यहाँ सीड दिखाई देता है। अब पूरा ही कोकोनट जो अंदर लिक्विड फिल है वो पानी जो नारियल पानी है वो हमारा ट्रिप्लॉयड है यानी वो एंडोस्पर्म है, वो एक मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना हुआ है। एक एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई और दो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से वो बना हुआ है। बात क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। रब करें? यस मैम। अब हम देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस
बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर को हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर को मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इस कंडीशन पे होता क्या है कि जो मेगास्पोर होते हैं इसमें कोई एक वेजिटेटिव मतलब कोई एक सेल, वही ग्रुप की कोई एक सेल मॉडिफाइड हो गई। इस मॉडिफाइड सेल को हमने क्या कहा, सेल्स आर मॉडिफाइड, मॉडिफाइड मॉडिफाइड हो गई, इसको हम आर्किस्पोरियल सेल बोलने लगे। सेल बोलने लगे। अब ये जो आर्किस्पोरियल सेल है वो डिवाइड करेगी, डिवाइड करने के बाद यहां पर हम लोगों के एक से दो और दो से चार, दो से चार ये हम लोगों के मेगास्पोर बनके तैयार हुए हैं, मेगास्पोर बनके तैयार हुए हैं यानी प्राइमरी मेगास्पोर बनके तैयार हुए हैं, जिसमें से तीन मेगास्पोर, दो से चार तीन मेगास्पोर डीजनरेट कर जाएंगे, तीन, और बनेगी कैसे, लीनियर वे में, एक दो तीन चार, ये तीन डीजनरेट कर गए, तीन डीजनरेट कर गए, ठीक है, और एक फंक्शनल हो गया, एक कैसा हो गया, फंक्शनल हो गया, तीन डीजनरेट कर गए और एक हो गया फंक्शनल। ये फंक्शनल जो मेगा स्पोर है ये डिवाइड करेगा, हम कोई सेल मॉडिफाइड हो रही थी डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो रही है, उसने मेगा स्पोर एंजाइम बना दिया है, यहाँ पे तीन सेल डीजनरेट कर जाती है, एक फंक्शनल मेगास्पोर बन के तैयार हो जाता है, जो तीन सेल डिजनरेट होती है फंक्शनल जो मेगास्पोर है, एक से दो, दो से चार सेल्स बन जाती है, इनको मेगास्पोर सेल्स बोलते हैं, ये तीन डिजनरेट कर जाते हैं और एक फंक्शनल मेगास्पोर बन के तैयार हो जाता है। ये तीन डिजनरेट क्यों कर रही है और फंक्शनल एक मेगास्पोर क्यों बन रहा है, क्योंकि जो फंक्शनल मेगास्पोर बन रहा है उसके पास फॉरन एजेंट को आना है, वो फॉरन एजेंट से फ्यूज करेगा, इसलिए इसको ज्यादा रेजिस्टेंट होना चाहिए। अब ये एम्ब्रियो सैक बना रही है, ये एक मेगा स्पोर सेल एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगी, अगर सिंगल मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो तो उसे पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, यानी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, वन वन माइक्रोस्पोर, वन मेगा स्पोर helps in formation of embryo sac, then this is known as monosporic development. development लिखिए, इसको लिखते लिखते जाना डायग्राम के लिए, स्पेस छोड़ देना बेटा, डायग्राम के लिए स्पेस छोड़ देना, इसको लिखते जाना। यस मैम।
मैम लास्ट में नोन एस के बाद क्या लिखा है? मोनो मैम नोट हो गया। अर्जुन। हाँ अर्जुन कर लिया बेटा। जल 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 उज्जवल का रब कर दे। उज्जवल उज्जवल बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है। उज्जवल देखिए अब हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस को रब करने जा रहे हैं। अगर वन मेगा स्पोर फॉर्मेशन करता है, वन मेगा स्पोर फॉर्म करेगा हम लोगों का, एक मेगा स्पोर अगर फॉर्म करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट या पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, अब देखते क्या है कि यहाँ पर हम लोगों का एम्ब्रियो सैक कैसे फॉर्मेशन हुआ। ये एक एम्ब्रियो सैक है, सपोज दैट इसमें एक से बने पहले एक न्यूक्लियस था, डिवाइड करे माइटोटिकली, एक से दो बन गया, फिर डिवाइड करे दो से चार बन गया, दो से चार बन गया, चार बन गए। उसके बाद फिर डिवाइड करें तो चार से आठ बन गए, चार से आठ बन के तैयार हो गए। बस समझ गए, दो से चार बने, चार से आठ बन के तैयार हुए। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम हो रही है? इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है? हमने क्या किया, एक मेगा स्पोर जो फंक्शनल था उस फंक्शनल मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सेट का फॉर्मेशन शुरू किया है। तो हम देखते हैं क्या है कि फंक्शनल मेगा स्पोर है सिंगल एक, ये एक फंक्शनल मेगा स्पोर है, फंक्शनल मेगा स्पोर है जो डिवाइड करेगा तो बनाएगा टू मेगा स्पोर, टू मेगा स्पोर बनाएगा, टू से फोर एंड फोर से एट मेगा स्पोर बनते हैं। इन मेगा स्पोर में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक में तीन तीन मेगा स्पोर अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं, तीन तीन मेगा स्पोर अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। तीन चले गए ये इधर, जिन्होंने बना लिया एंटीपोडल्स, दो हो गए इधर सिनर्जिड और एक हो गया एग सेल, एक हो गया हमारा एग सेल, और ये दो सेंटर में हो गए पोलर न्यूक्लियाई। ये हो गए हमारे एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स जिनकी प्लॉयडी होगी एन, यानी हैप्लॉयड, ये होंगे पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, और ये दो होंगे सिनर्जिड, ये दो होंगे सिनर्जिड, और एक होगा ये एग सेल, एक होगा ये एग सेल। बात इतनी क्लियर हो गई? बात इतनी क्लियर हो गई? उज्जवल
बात इतनी क्लियर हो गई बेटा उज्जवल? स्पोर के थ्रू डेवलपमेंट देखना है, एक स्पोर के थ्रू डेवलपमेंट देखेंगे तो हम देखते क्या है कि जब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है बेटा, तो मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट में एक माइक्रोस्पोर से डेवलपमेंट होता है हम लोगों का, देखो अब मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट में क्या है, एक स्पोर से डेवलपमेंट हो रहा, फंक्शनल मेगास्पोर एक है, एक से दो मेगास्पोर बनेंगे, दो से चार मेगास्पोर बनेंगे और चार से हम लोगों के एट मेगास्पोर बनके तैयार हो गए हैं। अब इन मेगास्पोर में सबकी प्लॉयडी हैप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड था, माइटोटिकली डिवाइड हुआ, एक से दो बनाया, माइटोटिकली डिवाइड हुआ, दो से चार बना, माइटोटिकली ही डिवाइड हुआ, दो से चार से आठ बन गया। अब ये चार से आठ मेगास्पोर में से कंडीशन क्या होती है कि जो फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं उसमें से तीन तीन अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, तीन चले गए अपोजिट पोल पे, तीन चले गए उसके अपोजिट पोल पे, ये जो तीन थे वो एंटीपोडस थे जिनकी प्लॉयडी थी एन, तीन जो थे वो एंटीपोडस थे जिनकी प्लॉयडी थी एन यानी हैप्लॉयड थे, ये दो सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई थे और ये दो सिनर्जिड थे, ये दो कैसे थे, सिनर्जिड थे, बस समझ गए, एक हमारा ओवम है, एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस से यहाँ पर दो न्यूक्लियस बना, दो से हमारे बन के तैयार हो गए हैं, दो से हमारे बन रहे हैं कैसे, फंक्शनल मेगास्पोर बने हैं, दो से चार, चार से आठ बन गए हैं, उसमें से तीन बन गए हमारे अपोजिट पोल पे। तो आप क्या कहेंगे, एंटीपोडल्स की प्लॉयडी होती है हमारी हैप्लॉयड और पोलर न्यूक्लियाई होते हैं डिप्लॉयड जब ये फ्यूज कर जाएंगे और ये तीनों हो जाएंगे दो सिनर्जिड हो जाएंगे, एक एक्सेल हो जाएगा। तो बेटा जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो पॉलन ट्यूब को एंटर करना है, पॉलन ट्यूब को एंटर करना है, जो एक ये एग सेल है, एक एग सेल फ्यूज विद मार्कर कहां से लगे, एक एक्सेल फ्यूज विद हम लोगों का आ जाएगा, एक्सेल फ्यूज विद मेल गैमेट देन फॉर्म जाइगोट, वन एग सेल, एक्सेल फ्यूज विद मेल गैमेट तो ये फॉर्म करेगा जाइगोट और प्रोसेस कहलाएगी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, बात समझ गए। और जब ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे तो जब पोलर न्यूक्लियाई आपस में दो ये फ्यूज कर गए हैं तो ये बन गए हैं 2n, 2n और इससे एक मेल गैमेट फ्यूज कर जाएगा तो ये बन जाएगा 3n, ये बन जाएगा 3n, 3n बन जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर बेटा कितने बार हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ और ट्रिपल फ्यूजन हुआ, बात समझ गए। फर्टिलाइजेशन कितने बार हुआ, फर्टिलाइजेशन तो एक ही बार हुआ, तो फर्टिलाइजेशन एक बार इससे हुआ और तीन बार फ्यूजन हुआ, यानी एक मेल गैमेट जब इससे फ्यूज किया तो ये तो हो गया हमारा ट्रिपल फ्यूजन, यानी ये एक मेल गैमेट आया इससे फ्यूज कर गया तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ और डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, बात समझ गए। ट्रिपल फ्यूजन हुआ और डबल फर्टिलाइजेशन हो गया तो अगर कोई पूछेगा कि जायगोट कौन बनाता है तो सिनर्जिड के पास जो एक्सेल प्रेजेंट है वो बनाती है जायगोट और जो पोलर न्यूक्लियाई वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो वो हो जाते हैं 2n और जब ये मेल गैमेट से फ्यूज कर जाते हैं तो ये बन जाते हैं 3n, ये बन जाते हैं 3n, बात समझ गए, ये बन जाते हैं 3n, तो 2n और 3n ये बन के तैयार हो गए। अब ये जो 3n था उसने बना लिया ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म, इसने बना लिया ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉयड एंडो
स्पर्म, ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म, बात समझ गए? ये ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनाएगा, 3N तो 3N होगा ही, ये ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? यस मैम, यस मैम। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया था? डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय एस जे नवाश्चिन। डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय एस जे नवाश्चिन, बात समझ गए? एस जे नवाश्चिन ने इसको डिस्कवर किया था, एस जे नवाश्चिन ने इसको डिस्कवर किया था, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। तो आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बनेगा एंडोस्पर्म, और डबल फर्टिलाइजेशन, एक बार फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनेगा जायगोट। लिखिए इसको, हो जाए तो बता देना बेटा। यस मैम। हो गया बेटा? यस मैम, हो गया। हो गया, सब कर दें? यस मैम। अब जरा देखो, जैसे पॉलन ट्यूब के एंट्रिंग पॉइंट है, तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को, पॉलन ट्यूब का एंट्रिंग पॉइंट है, तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने टाइप से हो सकती है, कैसे जाना है पॉलन ट्यूब को, तो यहाँ पर देखिए एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, बात समझ गए? एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब जो है, एक है हमारी पोरोगैमी, एक है हमारी चेल्जोगैमी, एक है हमारी मीजोगैमी।
समझ गया। अगर पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब एंटर थ्रू, एंटर थ्रू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल तो इसको हम लोग बोलते हैं पोरोवेना। बस समझ गए, पॉलन ट्यूब अगर एंट्री करे, उसकी एंट्रिंग पॉइंट जो है पॉलन ट्यूब की वो माइक्रोपाइल ही है। अगर पॉलन ट्यूब एंट्री पॉइंट से ही फ्यूजन कर रही है, एंट्री पॉइंट से ही अंदर जा रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोरोगैमी। पॉलन ट्यूब अगर पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है माइक्रोपाइलर एंड से, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोरोगैमी, इसको बोलते हैं पोरोगैमी। और चेल्जोगैमी क्या है, चेल्जोगैमी क्या है, पॉलन ट्यूब एंटर, पॉलन ट्यूब एंटर थ्रू, एंटर थ्रू चेल्जा, एंटर थ्रू चेल्जा, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेल्जोगैमी। इसको क्या बोलते हैं, चेल्जोगैमी।